नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS Excel का राउंड फंक्शन और राउंड फंक्शन के सभी टाइप्स को सीखने वाले हैं। MS Excel में राउंड फंक्शन चार प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला होता है राउंड फंक्शन, दूसरा होता है राउंड अप फंक्शन, तीसरा होता है राउंड डाउन फंक्शन और चौथा होता है एम राउंड फंक्शन। जो राउंड फंक्शन है, इसका उपयोग डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर किया जाता है, मतलब दशमलव वाली वैल्यू पर किया जाता है। यदि आपकी किसी टेबल में, किसी वर्कशीट में कुछ नंबर दशमलव वाले हैं, डेसिमल पॉइंट वाले हैं, और आप उन सभी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए राउंड फंक्शन का या राउंड फंक्शन के टाइप्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम राउंड फंक्शन के चार टाइप सीखने वाले हैं। देखते हैं राउंड फंक्शन का पहला टाइप क्या होता है। राउंड फंक्शन का पहला टाइप है सिंपल राउंड फंक्शन, जिसे राउंड नाम से ही उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन किसी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद सो होने वाले नंबर्स को कंट्रोल करता है। यदि आपके पास किसी वर्कशीट में, किसी टेबल में कुछ नंबर हैं जिनमें आपने डेसिमल पॉइंट का यूज किया है, या आपने कोई कैलकुलेशन किया है जिसमें आपका आउटपुट डेसिमल पॉइंट में आया है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक अंक हो सकता है, दो अंक हो सकते हैं, दस अंक हो सकते हैं। यदि आप अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमें दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं, तो आप उसके लिए राउंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह किस प्रकार यूज किया जाता है, आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, देन राउंड फंक्शन को टाइप करेंगे, आपको वह नंबर देना होता है जिसमें दशमलव की संख्या होती है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है, और कामा टाइप करने के बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट भी बतानी होती है कि हमें दशमलव के बाद कितने अंक को शो करना है। तो राउंड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो वैल्यू लेता है, एक वैल्यू होती है दशमलव वाली वैल्यू और दूसरा होता है नंबर ऑफ डिजिट, आप दशमलव के बाद कितने अंक शो करना चाहते हैं। यह फंक्शन जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो यह फंक्शन वैल्यू को अप और डाउन भी कर सकता है। कोई दशमलव वाली वैल्यू पर यदि आप राउंड फंक्शन का यूज करते हैं, तो आपका जो आउटपुट है वह अप या डाउन भी हो सकता है, क्योंकि यह फंक्शन दशमलव के बाद की जो संख्या होती है, यदि वह 0 से लेके 49 तक होती है, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वह 0 से लेके यदि 49 तक होते हैं, तो वैल्यू को कम कर देता है, डाउन कर देता है। और यदि आपकी वैल्यू 50 से लेकर 99 तक होती है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की जो संख्या है वह 50 से 99 तक होती है, तो यह नंबर को अप वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम जब प्रैक्टिकली अभी यूज करेंगे, तो आपको और अच्छे से यह समझ में आएगा। आपको ध्यान रखना है, यदि दशमलव के बाद की संख्या 0 से लेकर 49 के बीच में होती है, तो राउंड फंक्शन हमारे आउटपुट को कम कर देता है, और यदि हमारा जो दशमलव के बाद का अंक है, दशमलव के बाद की संख्या है, वह 50 से 99 के बीच में होती है, तो वह संख्या को बढ़ा देता है, आउटपुट को बढ़ा देता है। दूसरा राउंड फंक्शन जो है, उसका नाम है राउंड अप फंक्शन। राउंड अप मतलब ये वैल्यू को राउंड तो करेगा, लेकिन हमेशा अप करेगा, कभी भी डाउन नहीं करेगा। जो अभी हमने समझा कि यदि दशमलव के बाद की संख्या 0 से लेकर 49 के बीच में है, तो वैल्यू को डाउन कर दिया जाता है, और 50 से लेकर 99 के बीच में है, तो अप कर दिया जाता है। इसका एक सॉल्यूशन हमें देता है राउंड अप फंक्शन। यदि आप किसी वैल्यू में दशमलव के बाद के अंक को कंट्रोल करते हैं या हटाते हैं, और आप चाहते हैं वैल्यू हमेशा अप में ही शो हो, तो आप वहां पर राउंड अप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राउंड अप फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन किसी डेसिमल पॉइंट वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद शो होने वाले नंबर्स को कंट्रोल करता है। जो राउंड फंक्शन करता था, वह काम राउंड अप भी करता है, लेकिन यह फंक्शन डेसिमल पॉइंट को हटाने पर इंटीजर वैल्यू को अप वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जो नॉर्मल राउंड फंक्शन है, वह दशमलव के बाद के अंक को चेक करता है और वैल्यू को डाउन भी कर सकता है, अप भी कर सकता है। लेकिन राउंड अप फंक्शन, जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, अप मतलब जब भी यह नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती हैं, उनको कम या ज्यादा करता है, तो वैल्यू को हमेशा अप साइड पर ही आउटपुट में कन्वर्ट करता है।
तो राउंड अप फंक्शन जो है वो वह भी दो आर्गुमेंट लेता है, आपको इक्वल के बाद राउंड अप फंक्शन को टाइप करना है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर देना होता है और नंबर ऑफ डिजिट देनी होती है कि आपको दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं। तो यह था राउंड अप फंक्शन का दूसरा टाइप, राउंड फंक्शन का दूसरा टाइप जिसका नाम है राउंड अप। अब हम देखते हैं राउंड फंक्शन के तीसरे टाइप को जिसका नाम है राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन, इसके नाम से ही आप इसका काम समझ सकते हैं। राउंड अप फंक्शन क्या करता है, हमेशा वैल्यू को अप वैल्यू में कन्वर्ट करेगा आउटपुट को, लेकिन राउंड डाउन फंक्शन हमेशा वैल्यू को डाउन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। यदि आप किसी वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट को, दशमलव के बाद जो डिजिट होती हैं, उनको अपने अनुसार कम या ज्यादा करते हैं या हटाते हैं, तो राउंड डाउन फंक्शन दशमलव के बाद के अंक को चेक करेगा और हमेशा जो आपका आउटपुट होगा वह डाउन करके शो करेगा, मतलब कम करके शो करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, यह फंक्शन किसी डेसिमल पॉइंट वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद शो होने वाले नंबर्स को कंट्रोल करता है। तो यह काम तो राउंड फंक्शन भी करता था, लेकिन राउंड फंक्शन दोनों काम खुद कर देता था, अप भी कर सकता है डाउन भी कर सकता है, लेकिन राउंड अप हमेशा वैल्यू को अप ले जाता है और राउंड डाउन हमेशा वैल्यू को डाउन में ले जाता है। लेकिन यह फंक्शन डेसिमल पॉइंट को हटाने पर इंटीजर वैल्यू को डाउन वैल्यू में कन्वर्ट करता है, हमेशा इसका आउटपुट कैसा आएगा आपको डाउन होके मिलेगा, यह कभी भी वैल्यू को अप नहीं कर सकता क्योंकि इसका नाम ही है राउंड डाउन। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, आपको इक्वल के बाद राउंड डाउन फंक्शन को टाइप करना है, एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर देना होता है और डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट को, कितने नंबर को शो करना चाहते हैं वह नंबर देना होता है। तो यह था राउंड फंक्शन का तीसरा टाइप जिसका नाम है राउंड डाउन। अब हम राउंड फंक्शन का लास्ट टाइप एम राउंड फंक्शन देखते हैं। एम राउंड फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन इंटीजर वैल्यू में आउटपुट रिटर्न करता है। यदि आप इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पास भी करते हैं तो यह हमेशा इंटीजर मतलब सिंपल नंबर में ही आउटपुट रिटर्न करता है। एम राउंड फंक्शन डेसिमल पॉइंट वैल्यू को अप या डाउन वैल्यू में कन्वर्ट करता है, यह भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को अप भी कर सकता है डाउन भी कर सकता है और एक कंप्लीट डिवाइडेड नंबर रिटर्न करता है। आपको एक ऐसा नंबर यह निकाल कर देता है जिसको आप किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से पूरा डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है तो एम राउंड फंक्शन आपको क्या निकाल कर देगा, क्या आउटपुट देगा, आप इस 10 को तो 3 से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 10 के सबसे पास में जो भी नंबर होगा जिसको आप 3 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो वह नंबर आपको निकाल कर देता है एम राउंड फंक्शन। मतलब यहां पर एम राउंड का आउटपुट मिलेगा 9, यहां पे इसका आउटपुट क्या होगा 9, क्योंकि आप 9 को 3 से पूरा डिवाइड कर सकते हो। इस फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वह क्या होता है, एम राउंड आपको इक्वल के साथ टाइप करना है, एक नंबर देना होता है और आप कितने से डिवाइड करना चाहते हो, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहते हो वह एक नंबर आपको टाइप करना होता है। तो अभी हमने राउंड फंक्शन को और राउंड फंक्शन के चारों टाइप्स को थ्योरिकली समझा, उनके सिंटेक्स को समझा। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और राउंड फंक्शन के चारों टाइप्स को प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो एक्सेल की वर्कशीट में हमने कुछ नंबर्स को स्टोर किया है, आप देख सकते हैं ये सभी नंबर्स डेसिमल पॉइंट वाले नंबर हैं। इन नंबर्स पर हम राउंड फंक्शन को, राउंड अप फंक्शन को, राउंड डाउन फंक्शन को और एम राउंड फंक्शन को यूज करके देखने वाले हैं। तो यहां पर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जिनमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर किया गया है। हम एक एक फंक्शन से डेसिमल पॉइंट के बाद शो होने वाले नंबर्स को कंट्रोल करके देखने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन। तो आपको जहां भी, जिस सेल में भी राउंड फंक्शन का यूज करना होता है वहां अपने कर्सर को प्लेस करें, इक्वल सिंबल को टाइप करें। सबसे पहले आपको अपने राउंड फंक्शन को टाइप करना होता है, ब्रैकेट को ओपन करें। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक्सेल आपको हिंट देता है कि हमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट की जरूरत है। तो आपको राउंड फंक्शन में एक नंबर देना होता है, नंबर मतलब जिस नंबर पर आप राउंड फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो हमारा नंबर जो है वह रखा हुआ है F4 नंबर के सेल में। हमने उस सेल पर क्लिक किया तो एक्सेल ऑटोमेटिक उस सेल का एड्रेस एक्सेप्ट कर लेता है। देन आपको कॉमा टाइप करना है, नंबर डिजिट, आप दशमलव के बाद कितने डिजिट शो करना चाहते हैं। अभी हमारे नंबर में दशमलव के बाद 4 अंक शो हो रहे हैं,
आप चाहते हैं 2 अंक शो करना है, 3 अंक शो करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 1, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो नंबर है उसमें से हमें दशमलव के बाद केवल एक ही अंक को शो करना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल नंबर है दशमलव वाला वो तो ये है, बट जब हमने इस पर राउंड फंक्शन को अप्लाई किया चलाया तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी सेट की थी, 1, तो हमें दशमलव के बाद एक ही अंक आउटपुट में डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पर दशमलव के बाद के अंक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया 3। तो अब हमारा जो आउटपुट यहाँ पर आएगा उसमें हमें दशमलव के बाद 3 अंक ही डिस्प्ले किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। यदि आप एक नंबर पे राउंड फंक्शन को अप्लाई कर लेते हैं तो आप इसको डबल क्लिक करके नीचे ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वह है हर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर 3 डिजिट को ही शो कर रहा है। दशमलव के बाद कितने अंक शो किए जा रहे हैं, 3 अंक शो किए जा रहे हैं। यह होता है राउंड फंक्शन। आप राउंड फंक्शन से डेसिमल पॉइंट को अपने हिसाब से कितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी सेट कर सकते हैं। और यदि आप दशमलव को हटाना चाहते हैं, आप किसी दशमलव वाली वैल्यू में से दशमलव को हटाना चाहते हैं, आपको दशमलव की जरूरत ही नहीं है, तो आप दशमलव का जो डिजिट होता है, नंबर ऑफ डिजिट होता है, उसको 0 कर दीजिए और एंटर करिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर था वह था डेसिमल पॉइंट वाला, लेकिन हमें जो राउंड फंक्शन का आउटपुट मिला वह मिला इंटीजर नंबर, नॉर्मल इंटीजर नंबर। हमें यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वह नॉर्मल इंटीजर नंबर के रूप में प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसकी वैल्यू कितनी सेट कर दी है, 0 कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहले नंबर का आउटपुट आया है वह आया है 5024, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है वो क्या है, 23 है। लेकिन यहां पर हमारा आउटपुट आया है 9875। जब हमने दशमलव को हटाया और दशमलव के बाद के अंक को हटाया तो राउंड फंक्शन ने हमें क्या आउटपुट दिया है, 9875, जबकि यहां पर नंबर क्या था, 9874। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है वो क्या है, 89। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यदि दशमलव के बाद का अंक 0 से लेकर 49 तक होता है तो यह आउटपुट को कम करता है, लेकिन यदि दशमलव के बाद का अंक 50 से लेकर 99 के बीच में होता है तो यह दशमलव को हटाने पर वैल्यू को अप वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर हमारा जो आउटपुट आया है वह अप वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि दशमलव के बाद जो नंबर है वह 89 है। अभी हमने राउंड फंक्शन को देखा, अब हम देखते हैं राउंड अप फंक्शन को। तो आपको जहां पर भी राउंड अप फंक्शन को यूज करना वहां पर कर्सर रखें, इक्वल को टाइप करें, देन आप अपने राउंड अप फंक्शन को टाइप करिए। इसमें भी आपको 2 आर्गुमेंट देने होते हैं। तो पहला आर्गुमेंट हमने दे दिया अपने सेल का एड्रेस, देन नंबर ऑफ डिजिट, आप दशमलव के बाद कितनी डिजिट शो करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया दशमलव के बाद हमें 2 अंक को शो करना है, 2 डिजिट को शो करना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दशमलव के बाद आपको 2 अंक डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राउंड अप फंक्शन है वह भी राउंड फंक्शन के जैसे ही वर्क कर रहा है। राउंड अप फंक्शन भी राउंड फंक्शन के जैसे ही वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो राउंड अप फंक्शन दशमलव के बाद की संख्या को थोड़ा सा अप कर रहा है। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए दशमलव की संख्या को कर देते हैं 0, दशमलव के बाद हमें कोई भी संख्या डिस्प्ले नहीं करनी है। अब हम अपने आउटपुट को ड्रैग करते हैं, ऑटोफिल से फिल करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे आउटपुट हमें क्या मिला, 5025। यहां पर हमें आउटपुट क्या मिला, 5479। हर नंबर में आपको आउटपुट अप होकर डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड अप फंक्शन जो है दशमलव को हटाने पर या दशमलव के साथ भी जो आउटपुट देता है वह हमेशा बढ़ाकर देता है, अप करके देता है, इसीलिए इसका नाम होता है राउंड अप फंक्शन। तो अभी हमने राउंड फंक्शन को देखा, राउंड अप फंक्शन को देखा, अब हम देखने वाले हैं राउंड डाउन फंक्शन को। यह अपने नाम के जैसा ही काम करता है, आपको इक्वल टाइप करना है, देन आप राउंड डाउन फंक्शन को टाइप करिए। इसमें भी आपको एक नंबर देना होता है और नंबर के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देनी होती है, कितनी डिजिट आप दशमलव के बाद शो करना चाहते हैं। जैसे मैंने दे दिया 1, तो हमें दशमलव के बाद 1 अंक शो किया जाएगा, क्योंकि हमने दशमलव के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 दी है। बट राउंड डाउन फंक्शन हमेशा वैल्यू को डाउन करके दिखाता है, जैसे कि राउंड अप हमेशा अप करके दिखाता है, उसी प्रकार से राउंड डाउन वैल्यू को हमेशा डाउन करके दिखाता है।
इसको सही तरीके से समझने के लिए आप दशमलव के बाद की संख्या को जीरो कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट मिलेगा राउंड डाउन फंक्शन में वह हमेशा कम करके दिखाया जाएगा। हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 5024। जब हमने दशमलव के बाद की संख्याओं को हटाया तो दशमलव के बाद जो भी अंक थे उसको कभी बढ़ाया नहीं जाएगा, उसको हटा दिया जाता है और वैल्यू को कम करके दिखाया जाता है, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, राउंड डाउन। राउंड अप हमेशा वैल्यू को अप करके दिखाता है और राउंड डाउन हमेशा वैल्यू को डाउन करके दिखाता है। तो यह राउंड फंक्शन का तीसरा टाइप था। अब देखते हैं राउंड फंक्शन का चौथा टाइप, जिसका नाम है एम राउंड। एम राउंड थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन है। यह है किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और आपको एक ऐसा नंबर निकाल कर देता है जिससे वह नंबर कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली एक यूज करके। मैंने यहां पर एम राउंड फंक्शन को टाइप किया, हमें इस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में 10 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 10 से डिवाइड करना है, ये डेसिमल पॉइंट नंबर है, हमने इसमें 10 से डिवाइड किया तो देख सकते हैं आप हमें एक आउटपुट मिला है जो कि इंटीजर नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रही है। तो यदि आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन इस नंबर के सबसे पास एक ऐसा नंबर है जो 10 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो नंबर क्या है, 5020। आप हर नंबर में इसको यूज करके देख सकते हैं, आप 5478.124 को 10 से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप 5480 को 10 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। एम राउंड फंक्शन को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैंने यहां पर इक्वल टाइप किया, एम राउंड फंक्शन को टाइप किया, मैंने यहां पर नंबर दिया 10 और इसको हमें डिवाइड करना है मान लो 3 से, मल्टीप्लाई में हमने क्या दे दिया, 3। तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आया हमारा, 9, क्योंकि हम 10 को 3 से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 10 के सबसे पास 9 है जिसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको आप अपने हिसाब से किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई एक अमाउंट है और उस अमाउंट को आप बराबर बराबर 5 लोगों में बांटना चाहते हैं तो उस अमाउंट का क्या फिगर निकाला जाए जो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए। आपके पास कुछ अमाउंट है, कुछ वैल्यूज हैं जिसको आप 20 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं तो आप वहां पर एम राउंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने राउंड फंक्शन के 4 टाइप सीखे, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड। आप सभी राउंड फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखिए। यदि कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।